इरवावी। चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार। एक दो तीन। बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि एक तारा दूसरे तारे को देख पा रहा है और देख के बहुत खुश भी हो रहा है? कैसे? सुनते हैं कहानी तारों के नीचे तारा। लेखक माला कुमार और मनीषा चौधरी। चित्र बनाए हैं शिखा नाम्बियार और हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। तारा को बेचैनी हो रही थी। लगता था कि रेल बहुत धीमी चल रही है। तारा ने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतों की खिड़कियों में से रोशनी चमक रही थी। एक यात्री ने पूछा, बेटी तुम घर से भागकर तो नहीं आई हो ना? डिब्बे में सब सोने की तैयारी में थे। नहीं नहीं, तारा बोली। सुबह सवेरे तारा मीनापुर स्टेशन पर रेल से उतर गई। वो गंगा के घाट पर पहुंचकर एक लदी हुई नाव में चढ़ गई। नाव में बैठे कई लोगों ने सोचा, अकेले यात्रा करने वाली ये लड़की कौन हो सकती है? तारा जब नदी पार पहुंची तो केवट ने पूछा, क्या घर से भाग के आई हो? तारा मुस्कुराई, नहीं नहीं काका, मैं तो घर जा रही हूँ। तारा एक जंगल में पहुंची। उसने अपना कैमरा निकाला। एक हिरन ने उसको ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो कि वो यहाँ क्या कर रही थी। तारा ने झट उसकी तस्वीर खींच ली। प्यारे हिरन, मैं घर आ गई हूँ, मेरे पुरखे यहाँ गांव में रहते थे, वो बोली। जब सूरज डूबा तब तारा एक झूला पुल पार कर रही थी। झूला पुल धीमे धीमे हिल रहा था। ये सोचते हुए कि पुल के पार क्या है, तारा के होठों पे मुस्कुराहट खिल गई। दूसरी तरफ पहुंचकर तारा ने नक्शा निकाला और आगे की राह तय करने लगी। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कितनी अच्छी खुशबू थी जंगल के पेड़ पौधों की। तारा ने आग जलाई और कुछ खाया। वो आसमान को ताकते हुए लेट गई। तारे उसको देख झिलमिलाए। कल वो पैदल चलने के बाद अपने गांव के लिए बस ले लेगी। वहां उसके परदादा और दादी रहते हैं। आज तारा प्रकाश, एक मशहूर फोटोग्राफर, सिर्फ तारों की छांव में सोएगी और घर के सपने देखेगी। प्रिय पाठक, क्या आपने कभी तारों को गिना है? आप कितने तारे गिन सकते हैं? गिन के देखिए। अगर कभी जंगल में रात गुजारनी हो तो आपके पास क्या हो तो अच्छा रहेगा। महीने के कौन से दिनों में तारे ज्यादा साफ दिखाई देंगे और क्यों? बच्चों, तारे की ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन आपको और भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुननी हो तो ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com पर। धन्यवाद। एरवावी, एरवावी।